नमस्कार, केएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भारत में सरकारी नौकरी करने वाले को सरकारी दामाद कहते हैं। ऐसा इसलिए हो कहा जाता है कि सरकारी नौकरी काम करने के बजाय ज्यादातर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है और सरकारी खर्चे में खूब ऐसा आराम जिंदगी बसर करता है। कुछ ऐसा ही मामला प्रकाश में आया देवास जिले के चौबारा धीर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। करीब 10 दिन से बिना किसी अधिकारी को बताए MBBS डॉक्टर अंकित झाला गायब हो गए। विडंबना देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ सेक्टर सुपरवाइजर के भरोसे चल रहा है और कलेक्टर का आदेश है कि जिले में धारा 144 लागू हुई है, कोई भी जिम्मेदारी कर्मचारी अधिकारी अपने कर्तव्य स्थल से नदारत नहीं रहेंगे। किंतु डॉक्टर अंकित झाला को कलेक्टर के आदेश को हवाई बना रहे हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत लगभग 20 से ज्यादा गांव आते हैं और इन गांवों से रोजाना महिलाएं डिलीवरी और अन्य प्राथमिक उपचार के लिए लोग पहुंचते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर का नदारत होना और अधिकारियों के संज्ञान में न होना बड़ी विडंबना है। इस मामले में टोंक खुर्द के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के BMO रामपाल सुनवानिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि अपने मेरे संज्ञान में डाला है और उनको मैंने कोई छुट्टी नहीं दी। अगर ये अनुपस्थित पाए गए तो मैं उच्च अधिकारी से बात करके कार्रवाई करवाऊंगा। भैया बताइए, क्या समस्या आप? भैया समस्या है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौबारा धीरा में ना तो कोई डॉक्टर MBBS है, 40 गाँव लगते हैं भैया, डिलीवरी वगैरह पूरा मामला 40 गाँवों का चौबारा धीरा में रहता है। सबसे बड़ा गाँव है चौबारा धीरा, आसपास के क्षेत्र में जो भी डिलीवरी वगैरह रहती सब डॉक्टर और सिस्टर करते हैं यहाँ पे, ना तो कोई MBBS डॉक्टर है। डॉक्टर थे पहले 2 महीने पहले शुभम सिंह ठाकुर, अच्छा कार्य करते थे वो, और अभी कोई MBBS डॉक्टर हैं तो 2 महीने से आ नहीं रहे हैं। अभी चुनाव वगैरह चल रहे हैं और या तो धारा 144 लगी हुई है ना। और माननीय हमारे श्रीमान सज्जन सिंह जी वर्मा जी ने गत दिवस समथिंग 6 महीने पहले एक एम्बुलेंस दी है विधायक नीति से, ना तो शासन के पास, भाजपा शासन के पास ना तो उसको पास चलाने के पैसे हैं, ड्राइवर रखने के पैसे नहीं है। विधायक जी ने 2 बार मुद्दा उठाया कि एम्बुलेंस विधायक नीति से दिए तो उसको चलाने के लिए दिए ना, सब क्षेत्र के क्षेत्रों की मांग से सज्जन सिंह वर्मा जी ने एम्बुलेंस दी थी ना। अंकित झाला का डॉक्टर करके पदस्थ हैं जी भैया, पहली बार नाम सुन रहा हूँ। आपने देखा भी नहीं? नहीं 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 नहीं, आपने संपर्क करा क्या? संपर्क भैया समथिंग 1-2 बार करा, कॉल फोन ऑन बंद थे। मैं शुभम भैया को जानता हूँ, शुभम भैया ने अच्छा कार्य करा यहाँ पे MBBS रहते हुए, और आप जो जिसका नाम बता रहा हूँ मैं जानता ही नहीं उनको। और भैया समस्या इतनी हॉस्पिटल में, किसी को देख लो आप उठा के। ये कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है भैया? चौबारा धीरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ जी भैया। ये किसके अंडर में आता है? ये भैया BMO लोग टोंक खुर्द के अंडर में आता है। BMO टोंक खुर्द संपर्क करा आपने कभी? नहीं भैया कभी हुआ ही नहीं मेरा संपर्क। मैं 2 महीने से पूछ रहा हूँ, सिस्टरों से पूछा मैंने, राणा जी से भी पूछा मैंने, असुविधा का खोत रहता है भैया, मतलब ग्रामीण परेशान है भैया। अब आप खुद अब देख लीजिए, ग्रामीणों से पूछ लीजिए, खो दे भैया 2 महीने से डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, धारा 144 लगी हुई है, चुनाव चल रहे हैं। आप चाहते हैं डॉक्टर? मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर MBBS मौजूद रहे ना, डोर टू डोर मौजूद रहे, दिन में मौजूद रहे। मेरे को समथिंग आप पूछ रहे हो डॉक्टर की, अंकित झाला का पूछ रहे हो तो समथिंग देखे कोई। मैं भैया मैंने तो सुना ही, पहली बार नाम है किसी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय पाल सिंह राजपूत, चौबारा धीरा। सर पता नहीं ये कौन सा कहाँ का अस्पताल है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौबारा धीरा CSC टोखुर। सर डॉक्टर कौन पदस्थ है यहाँ पर? यहाँ अंकित झाला जी पदस्थ है। सर अभी अंकित झाला जी नहीं है तो कब से नहीं आ रहा सर ये? सर अभी 2-4 दिन पहले, अभी कितनी 16 या 17 तारीख के दिन आए थे, उसके बाद से नहीं। फोन पे बात हुई है कि आज मैं आ रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ। क्या कारण सब नहीं आ पा रहे हैं? सर ये तो सही पता डॉक्टर साहब के बारे में, मैं सेक्टर सुपरवाइजर हूँ, सारी जानकारी इतनी मैं उनके विषय में नहीं बता सकता। हाँ मेरी फ़ोन पे ज़रूर बात हुई है, रोज़ाना बात हुई, परसों के दिन भी बात हुई कि मैं आ रहा हूँ। ग्रामीणों को समस्या है, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, बीमारी का दौर चल रहा है, और अगर ऐसे में डॉक्टर उपस्थित नहीं है तो किस प्रकार इलाज हो रहा है यहाँ? डॉक्टर की अनुपस्थिति में तो इलाज नहीं होता है, वास्तव में सब बात सही है, डॉक्टर साहब को रहना चाहिए, पर अब उनकी समस्या क्या है, वो क्यों नहीं आ रहे, इसके बारे में हम सही जानकारी नहीं दे सकते। MBBS डॉक्टर होना है जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। कौन है आते MBBS डॉक्टर? MBBS डॉक्टर अंकित झाला जी है। आपका नाम बताइए? मेरा नाम सियाराम राणा, सेक्टर सुपरवाइजर चौबारा धीरा।